हेलो दोस्तों, ए के ऑल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बर्डन टू प्रेशर केस के बारे में बताना चाहूँगा। प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे गेज हैं यहाँ पर। जैसा कि सबसे पहले बर्डन टू पे डायफ्राम गेज हो गया, इसमें डेड वेट गेज हो गया और स्प्रिंग गेज भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेज होते हैं। तो आज बर्डन टू गेज के बारे में, प्रेशर गेज के बारे में बात करते हैं। ये प्रेशर गेज जो है वो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। वो मेजरमेंट लिक्विड का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है या किसी अदर फ्लूड का हो सकता है। तो इस टाइप का ये डायग्राम होता है बर्डन टू प्रेशर गेज का। बर्डन टू प्रेशर गेज में हमारे पास एक शी टाइप की मेटेलिक ट्यूब होती है जो कि इलिप्टिकल शेप में भी होती है। इलिप्टिकल टाइप की ट्यूब बोल सकते हैं इसको हम। ये शी टाइप का भी प्रेशर गेज है, इसके हम शी टाइप प्रेशर गेज भी बोलते हैं। तो इस मेटेलिक ट्यूब है, ये मेटेलिक ट्यूब है जो है वो इस टाइप के मटेरियल की ली जाती है जिससे ये इसकी लाइफ जो है वो काफ़ी टाइम तक चल सके, इसमें जंग ना लगे। तो कोशिश यही करी जाती है कि बढ़िया मटेरियल की ट्यूब ये ली जाए। उसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है ये स्केल है, ये स्केल को इसके ऊपर रखा जाता है। इस स्केल में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे रीडिंग होती है, 10 kg, 20 kg, 30 kg, इस टाइप से। उसके बाद एक ये पॉइंटर लगाया हुआ है। जो पॉइंटर ये है ये इस स्केल की रीडिंग को इंडिकेट करेगा, इसे हम इंडिकेटर भी बोलते हैं। इंडिकेट करेगा कि कितना हमारा पाइप में प्रेशर है। तो जितना प्रेशर होगा उस रीडिंग को ये इंडिकेट कर देता है पॉइंटर। पॉइंटर एक पिनियन से कनेक्ट होता है, ये पिनियन है। पिनियन एक स्मॉल गियर का असेंबली होती है जो कि एक स्ट्राइकर से कनेक्ट होती है। स्ट्राइकर स्ट्राइकर ये हाफ गियर असेंबली होती है, पिनियन के साथ कनेक्ट होता है। जब स्ट्राइकर रोटेट करता है आर्क पोजीशन पे, तो ये पिनियन रोटेट करता है और इस पे ये पिनियन जो है वो पॉइंटर को रोटेट करवा के इस स्केल पे रीडिंग देता है। तो ये स्ट्राइकर है। स्ट्राइकर में फिर स्ट्राइकर जो कनेक्ट होता है ये पाइवोटेड से। पाइवोटेड एक पिन टाइप की है जो कि इस स्ट्राइकर को मोमेंट देता है। उसके बाद ये लीवर है, लीवर कनेक्ट होता है एक पिन से और ये एडजस्टिंग लीवर है। ये वाला जो पोजीशन है PQ जिसे नाम दिया हुआ है वो एडजस्टिंग लीवर है। इस एडजस्टिंग लीवर को इस मेटेलिक ट्यूब के एंड पोजीशन से फिक्स कर दिया जाता है। इस ट्यूब के दो सिरे होती हैं, एक ओपन होता है और एक बिल्कुल क्लोज होता है। तो जो क्लोज वाला एरिया है, ये ओपन वाला एरिया तो पाइप से कनेक्ट होता है, क्लोज वाला एरिया जो है ये इस एडजस्टमेंट लीवर से कनेक्ट कर दिया जाता है जो कि सील्ड है पूरा का पूरा। और इस लीवर को या स्क्रू से कनेक्ट करते हैं ये इस दूसरे लीवर से। इस लीवर को स्ट्राइकर से कनेक्ट करते हैं। स्ट्राइकर जो है वो पाइवट से कनेक्ट रहता है ताकि इसको मोमेंट दे सके, और ये स्ट्राइकर जो है वो पिनियन से कनेक्ट होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन थी इसकी। इसका जो ये वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं स्पाइगट। स्पाइगट मतलब एज ए केसिंग, इस पाइप के ऊपर की बाहरी हिस्सा कवर। तो ये स्क्रू है जो कि इसको नट एंड बोल्ट की हेल्प से टाइट करते रहा, और ये पाइप है, ये थ्रेड बने हुए हैं जो कि किसी भी पाइप से कनेक्ट किए जा सकते हैं। इस पाइप के एक्सटर्नल पोजीशन पे थ्रेड बने हुए हैं, तो ये थ्रेड किसी भी पाइप से कनेक्ट करके मेजरमेंट करा जा सकता है, के फिक्स किया जा सकता है इसको। तो अब देखते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग कैसे होती है? कोई भी लिक्विड है इस पाइप के अंदर से इस मेटेलिक ट्यूब में जाएगा। मेटेलिक ट्यूब में जब जाएगा तो ये प्रेशर क्रिएट करता है और यहाँ पे इस पोजीशन पे ये पाइप है क्लोज। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कोई भी एक रबड़ की पाइप है, रबड़ की पाइप में अगर हम पानी का प्रेशर छोड़ देते हैं
तो पाइप वो जो है बैक साइड में आने की कोशिश करती है, पानी का प्रेशर जो है वो आगे जाने की कोशिश करता है, बट पाइप जो है वो बैक साइड में आती है। तो यहाँ पे जब जो पाइप है, मेटेलिक ट्यूब है, ये कंप्लीटली क्लोज है, तो इसका प्रेशर जो है यहाँ पे जाने के बाद वापस बैक आने की कोशिश करेगा, और वापस बैक आने की कोशिश करेगा तो ये मेटेलिक ट्यूब जो है वो शी टाइप में जो बैंड है इलेप्टिकल शेप में, वो स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी, अपनी बैक पोजीशन में खींचने की कोशिश करेगी इस फ्लूड के प्रेशर की वजह से। तो जब ये बैक पोजीशन में खींचने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे जो लीवर है, ये लीवर इस सेकंड लीवर को स्क्रू की हेल्प से खींचने की कोशिश करेगा। तो ये दूसरा लीवर जो है ये स्ट्राइकर को रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे पावट दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, तो ये रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। जब ये रोटेट करवाएगा तो इसमें जो टीथ हैं ये इस पिनियन से कनेक्ट है, और ये टीथ इसको पॉइंटर को इंडिकेट करेंगे कि कितना ये बैक जा रहा है, जितना प्रेशर इसमें बैक जा रहा है उतना ही ये पॉइंटर इंडिकेट करेगा इस स्केल के ऊपर कि कितनी रीडिंग है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि जितना प्रेशर पाइप के अंदर है उतना ही ये बैक होने की कोशिश करेगा, और बैक होने की कोशिश करेगा उतना ही हमें रीडिंग मिलेगी। ये असेंबली थोड़ी सी इस वजह से बनाई जाती है ताकि इसकी जो मैकेनिज्म है, यहाँ पे स्मॉल टीथ बनी होती हैं पिनियन के अंदर भी और स्ट्राइकर के अंदर भी, और तो इसका जो प्रेशर है ये पाइप कम्प्लीटली यहाँ से सील्ड होती है, इस वजह से इसमें कोई वेरिएशन ना आए, इस वजह से ये दो तीन लिंक बनाए जाती हैं ताकि इसकी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट ली जा सके। ये बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज आपने मोस्टली ज़्यादातर सभी जगह देख रखा होगा, गैस के प्रेशर मेजरमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप पे जो एयर चेक करने के लिए प्रेशर यूज़ किया जाता है वो एज ए बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज ही है। तो इस टाइप के प्रेशर गेज से ये रीडिंग होती है। इसमें ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग गियर के ऊपर जो दी हुई है, इसका एक काम है कि जब प्रेशर ख़त्म हो जाए तो वापस उसी पोजीशन पे निडिल को लाना, ये स्प्रिंग का काम होता है। ट्यूब जब बैक साइड में जाती है, स्ट्रेस इस पे बढ़ता है, ये सीधी होने की कोशिश करती है ट्यूब, तो स्प्रिंग जो है स्प्रिंग ये फोर्स बना के रखती है, कंप्रेशन फोर्स, और जब ये इसका प्रेशर, पाइप का प्रेशर जब कम हो जाता है, इसको हटा देती हैं, तो ये स्प्रिंग जो है वो अपना कंप्रेशन मतलब जो एनर्जी इसने स्टोर कर रखी है वो रिलीज़ करती है और वापस इस पाइप को उसी पोजीशन पे लाती है ताकि ये निडिल जो है जितना प्रेशर इसने दिखाया था वापस अपना जीरो पोजीशन पे आ सके। तो ये वर्किंग थी प्रेशर गेज की, जिसे हम बर्डन टू प्रेशर गेज बोलते हैं। ये प्रेशर मेजरमेंट के लिए डायरेक्टर प्रेशर है लिक्विड के मेजरमेंट के लिए, और नॉर्मली ज़्यादातर हम लो प्रेशर ऑफ लिक्विड को भी इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र कर सकते हैं। थैंक यू।